तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने मिनी ब्लॉग में। सो आज आई हूँ मैं इधर वाले घर पे। आप लोगों ने ये वाला घर तो मेरा देख लिया है, देखते हो हर मेरी वीडियो में। तो मैं घर आई थी अपने लिए कुछ सामान लेने। रहा वो सामान, इसमें मेरी साड़ियाँ हैं, कुछ कोलैबोरेशन की साड़ियाँ जो आई है जिनका मैं कर नहीं पा रही हूँ तो मैंने रख लिया। कुछ सब्जियाँ लेनी थी घर में, कुछ बिस्किट वगैरह कुछ। आप लोग देख सकते हो कि मैंने अपने बेडरूम का क्या हाल किया है। आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए आते ही, क्योंकि विकास जी और लव कभी कभी घर आते हैं, दोनों बाप बेटे, तो यहाँ से नहा के जाते हैं वो लोग, तो बहुत सारे उनके कपड़े इकट्ठे हो गए थे। और ये रहा मेरा छोटा सा मंदिर जहाँ मैंने एक महीने से पूजा नहीं करी, क्योंकि मैं एक महीने से तो ससुराल में ही हूँ ना, इसीलिए। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा साफ करके और आज मैं पूजा पाठ करके जाऊंगी। और मैं एक स्पेशल चीज़ लेने आई थी पापा के लिए। मेरे पास है रामचरितमानस की बुक, जो मुझे उसका एक एक अध्याय या एक एक पार्ट जो भी, वो मुझे पापा को पढ़ के सुनाना है, तो मैं स्पेशली ये लेने आई हूँ। तो मैं पूजा कर लेती हूँ, पहले आप लोग बने रहिए कंटिन्यू। मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है, मैं थोड़ी देर घर में बैठूंगी जब तक आरती ठंडी नहीं हो जाती है, उसके बाद में मैं निकल जाऊंगी घर के लिए, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो चुका है, 7 बजने वाली है, इसीलिए मैं फिर निकलती हूँ। और अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे फॉलो भी। बाय बाय। तो घर से आते ही अभी आई हूँ मैं, आटा लगा के बैठी हूँ और ये दीदी बर्तन धो रहा है। हम लोग घर में आते ही हमारे ऊपर काम का ऐसा लोड रहता है कि घर जाके आपको काम करना है। तो रोटी मेरे हिस्से की रखी हुई थी, ये पिंकी आके बनाई है, बर्तन दीदी के हिस्से के रखे हुए थे, तो दीदी बर्तन धो रहे हैं, अब मैं जाके रोटी बनाऊंगी। हम ननंद भूजे काम कर करके आधे हो जाएंगे दीदी। और दीदी कितना सुबह से कितना काम करा आपने? आज सारा लोड, आज मैं घर गई थी ना उधर, तो आज सारा काम दीदी के। आज दीदी ने बहुत सारा काम कर लिया, मैं रहती थी इतना काम नहीं करती है। मैं भी हाथ बटा देती हूँ और दीदी मेरा हाथ भी हाथ बटा देती है ना दीदी। हाँ।